घन कोट घन कोट चलो ऑन कोई बात है। तो है एवरीवन, दिस इज असीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और मैंने बोला था जल्दी से मिलते हैं संडे राइड पे, सो तो संडे राइड आ गया और आज ये सब दोस्त है हमारे साथ, और भी कुछ दोस्त है वो सब आगे चले गए और मैं किसी को ज़्यादा पहचानता नहीं, ये तीनों को ही पहचानता हूँ। तो एक साथ राइड करते हैं, या तो ज़्यादा आगे रहेंगे या तो पीछे ही रहेंगे, क्योंकि अननोन राइडर्स के साथ थोड़ा राइड करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कौन कैसे चलाता है पता नहीं होता, थोड़ा टाइम चलाने के बाद ही पता लगेगा। और पापू वेलकम बैक टू माई चैनल, तो बोला तो गाइस वेलकम बैक टू शिलोंग रोड। और शिलोंग बहुत लोग कह रहे हैं बंद है, या तो इलेक्शन चल रहा है, तो मुझे तो पता नहीं खुला है कि बंद है, जस्ट चलते हैं अभी। ओके ओके ओके, कम ऑन कम ऑन। ये आ गया पापू और ये आ गया धॉन, बहुत ही बढ़िया। ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है आज दूसरे दिन के मुकाबले, और नी डाउन कॉर्नर हो गया स्टार्ट। ओ एम जे, तो स्टार्टिंग में ही मेरा फुटरेस लग गया। और मेरा कैमरा एंगल ठीक आ रहा है कि नहीं पता, जस्ट कैमरा लगा लिया झट से और बाइक भगाना चालू। आई होप अच्छे से आ रहा होगा कैमरे में। और ये है BS4, थोड़ा BS6 से ज़्यादा पावर है ऑब्वियसली इसका, तो स्टेट में ये आराम से BS6 को क्रॉस कर देती है। ओए रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रहा है भाई, अरे अभी कुछ हो जाता तो। अरे रॉन्ग साइड से नहीं जाना चाहिए जितना भी जैसा भी सिचुएशन हो, और जा भी रहे हो तो एकदम लास्ट साइड होता है, उधर से जाना चाहिए, ना हो तकलीफ ना हो। ये तो रास्ते के बीच में से जा रहा था। चलो टोल गेट क्रॉस हो गया, तो अभी खुल्ला में खुला रास्ता है, तो जितना भगा सकते हैं उतना भगाएंगे। फुल थ्रॉटल फुल पावर फुल क्रेजी मैन। मोटो ब्लॉगिंग क्या हुआ बहुत दिन हो गया था, तो अभी मोटो ब्लॉगिंग जब भी शुरू करता हूँ तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। तो अभी असली रस शुरू हो गया है। This is a bad corner.
के परफेक्टली कॉर्नर ले लिया ये, और लॉन्ग टाइम बाद मैं कॉर्नर्स में आ रहा हूँ बैक। तो स्टार्टिंग में तो मुझे उतना अच्छी तरह नहीं ले पा रहा था क्योंकि बहुत दिन हो गया था कॉर्नर लिए हुए, तो अभी आ गया है वापस। तो अभी अच्छा अच्छा कॉर्नर मिलता है तो आगे और धमाकेदार कॉर्नर लेंगे। अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है आज, खुल्लम खुल्ला मतलब भगा नहीं पा रहे जिस तरीके से हम भगाते हैं। ये सब कॉर्नर पूरा खाली होता है तो आराम से सुला के निकल जाते थे पहले। और आज कुछ है शायद शिलोंग में, क्या है पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक कॉर्नर्स में अगर ट्रैफिक मिल जाए तो बुरा लगता है क्योंकि कॉर्नर नहीं ले पाते और कॉर्नर का मज़ा ले नहीं आते हम लोग, तो कॉर्नर हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। रास्ता थोड़ा सा काला काला भी हो रखा है, तो पानी है या ऑयल है या क्या है पता नहीं लग रहा है, तो बीच बीच में सुलाने से भी डर लगता है। ओके ओके, इट्स नॉट अ परफेक्ट कॉर्नर। एग्जॉस्ट का साउंड सुनिए गाइस, क्या तबाही साउंड है। Let's tuck in. और पूरा टक इन नहीं होता मैं, क्योंकि पूरा टक इन हो जाता हूँ तो कैमरे पे व्यू अच्छा नहीं आता है। ओके 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 ओके, और राइट मैन क्या भगाया वे सबने, मजा आ गया यार। पापू गिर के उठ के ठीक होके फिर इस तरीके के भगाओगे वे ये वो पता है वो जो कॉर्नर था जिसपे गिरा था उसमें आज ये दूर से कॉर्नर ले रहा था मुझे पता ही था इसे क्या हुआ तो कुछ खा लेते गाइस यहाँ पे, और खाने के बाद फिर चलते हैं।